कार वर्सेस हेलीकॉप्टर रोबोट। गांव में सवेरे सवेरे एक हेलीकॉप्टर आता है। कोई बड़ा नेता गांव में आया होगा ये सोचकर गांव वाले उस हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं। तब अचानक से उस हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लगता है जिस कारण लोग बेहोश हो जाते हैं। तब वो हेलीकॉप्टर देखते ही देखते एक रोबोट में बदल जाता है। वो रोबोट गाँव के जवान लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठा कर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाँव वालों को होश आने लगता है। तब एक औरत कहती है, अरे मेरा बेटा गोपाल कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है, मेरे पति भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हर कोई अपने परिवार से किसी ना किसी को गायब पाते हैं। कुछ गांव वाले मिलकर पुलिस के पास जाकर सारा किस्सा बताते हैं। तब स्टेशन के मेन इंस्पेक्टर महेश कहते हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात है कि एक हेलीकॉप्टर जहाँ कोई नहीं था वो कैसे लोगों को गायब कर सकता है। आप सब चिंता ना करें, मैं इस बात के तह तक जाऊंगा। इस तरह से गांव वालों को इंस्पेक्टर महेश की बातों से तसल्ली मिलती है। वो सारे घर वापस आते हैं। दूसरे दिन फिर से दूसरे गांव में ये सब कुछ होता है। अब हर रोज दूसरे दूसरे गांव से लोगों के गायब होने की बातें सामने आने लगती है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। इंस्पेक्टर महेश हताश हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस मामले को सुलझाया जाए। तभी वहां हितेश अपने लैपटॉप के साथ आता है और कहता है, इंस्पेक्टर महेश मैं आ गया हूँ ना, अब सारे गायब लोग मिल जाएंगे और वो हेलीकॉप्टर भी। दरअसल मुझे आपकी मदद के लिए भेजा गया है। हितेश और इंस्पेक्टर महेश दोनों भी इस मामले पर काम करना शुरू करते हैं। हितेश अपने लैपटॉप पर कुछ करता है और इंस्पेक्टर महेश से कहता है, सुनो इंस्पेक्टर महेश, मैंने लैपटॉप में एक प्रोग्राम बनाया है जिससे हमें यहाँ बैठकर ही उस हेलीकॉप्टर का पता चल जाएगा। अरे 7 दिनों से मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा है और तुम एक ही दिन में मामला सॉल्व करने की बात कर रहे हो, वो कैसे भला? एक्चुअली ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा, अभी हम काम करेंगे। दरअसल हितेश के पास एक ड्रोन था। हितेश उसे आसपास के गांव पर नजर रखने के लिए भेजता है और जैसे ही हेलीकॉप्टर पास के गांव में आता है तब ड्रोन हेलीकॉप्टर से सिग्नल भेजता है, जो सिग्नल हितेश को लैपटॉप में मिलते हैं। तब हितेश खुशी से कहता है, मिल गया हेलीकॉप्टर, चलो आज उस हेलीकॉप्टर की गुत्थी सुलझा ही लेते हैं। महेश और हितेश हितेश की कार से सिग्नल का पीछा करते हैं और उनके पीछे बाकी के पुलिस फोर्स। हेलीकॉप्टर एक गांव से लोगों को उठाकर जा रहा था। गांव से लेकर हितेश और महेश हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए जंगल के एक सुनसान जगह पर उतर जाता है। तब कुछ गुंडे हेलीकॉप्टर से बेहोश लोगों को उठाकर अंदर लेके जा रहे थे। तभी हितेश और महेश वहां आकर सब देख लेते हैं। वो दोनों सामने आकर गुंडों से लड़ाई करने लगते हैं। तभी उन सब का मुखिया परेश सामने आता है, जो लोगों के बॉडी ऑर्गन्स को बेचने का काम करता रहता है। उसे देखकर महेश कहता है, तुम्हारे सारे काले धंधे पता चल गए, आप चुपचाप सरेंडर हो जाओ, यहाँ पुलिस किसी भी वक्त पहुँच सकती है। अबे हाँ बे, यह सब मेरा ही रचा खेल है, मैंने ही हेलीकॉप्टर से लोगों को गायब करवाया है, उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेचता हूँ मैं ऐसे ही किसी के हाथ नहीं लगूंगा, तुम दोनों की भी किडनी बेच खाऊंगा मैं। महेश और हितेश सारे गुंडे को मार गिराते हैं। तब परेश हेलीकॉप्टर को रोबोट में बदल देता है जो उन दोनों पर हमला करने जाता है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर महेश कहता है, अरे हितेश अब इस रोबोट का सामना कैसे करे, ये तो हमें चुटकी में मसल देगा। अरे इंस्पेक्टर महेश घबराओ मत, इसके लिए मेरे पास भी एक तोड़ है। तभी हितेश भी अपने कार को रोबोट में बदल देता है। अब दोनों रोबोट में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। हितेश का रोबोट हेलीकॉप्टर रोबोट से ताकतवर था। इस लड़ाई में हेलीकॉप्टर रोबोट को कार रोबोट घेर कर देता है। तभी थोड़ी देर में पुलिस फोर्स भी उस जगह पहुंच जाती है और पुलिस परेश को पकड़ लेती है और जितने भी लोग कैद थे उन्हें उनके घर पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से ऑर्गन बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश हो जाता है। अंडरग्राउंड रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट रिस्टोरेशन। सुधाकर गांव का धनिक आदमी था। उसने अपने खेतों के और बाकी के कामों के लिए RC जेसीबी रोबोट खरीदा था। लेकिन अब कुछ सालों से जेसीबी रोबोट कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा था। वैसे सुधाकर भी बड़ा ही कंजूस आदमी था। वो जेसीबी रोबोट को रिपेयर भी नहीं कर रहा था और ना ही उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था। एक बार सुधाकर अपने नौकर रामू से कहता है, अरे रामू इस जेसीबी रोबोट को मेरी नजरों से दूर कर दो, इसे ले जाकर कहीं गड्ढे में दफन कर दो या जंगल में फेंक दो, कमबख्त कहीं का अब ये किसी काम का नहीं रहा।
सुधाकर रोबोट को जेसीबी में बदल देता है और रामू जेसीबी को अपने ट्रैक्टर से जोड़ते हुए गांव के बाहर जाता है। वहां वो एक बड़ा सा गड्ढा करके उस जेसीबी रोबोट को वहीं दफन कर देता है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। गांव की जनसंख्या बढ़ने लगती है। लोग जंगल तोड़कर वहां घर बनाकर रह रहे थे। ऐसे में ही गांव का एक आदमी कुणाल अपनी जेसीबी से खुदाई कर रहा था। तब वो वहां अपना घर बनाने वाला था, लेकिन काम करते करते उसका जेसीबी अचानक से रुक जाता है। अरे ये किराए का जेसीबी ना काम नहीं करता बराबर, लेकिन किराया तो सही और समय से चाहिए रहता है। काश मेरा भी एक जेसीबी होता, देखते हैं क्या हुआ इस जेसीबी को। ऐसा कहकर कुणाल जेसीबी को देखने नीचे उतरता है। तभी उसे उसके जेसीबी से टकराते हुए दूसरे जेसीबी का लीवर दिखाई देता है जो गड्ढे में दफन था। कुणाल समझ जाता है कि उसी लीवर से टकराकर उसका जेसीबी बंद हो गया था। कुणाल वहां पर खुदाई करता है और गड्ढे में पड़े पुराने जेसीबी को वो बाहर निकालता है। कुणाल उस पुराने जेसीबी को घर ले आता है और सोचता है, काश अभी मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं इसका रिस्टोरेशन करता और इस पुराने जेसीबी को अपने काम में लाता। खैर चलो, इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। इस तरह से कुणाल पुराने जेसीबी को घर के बाहर रखकर वापस अपने काम पर चला जाता है। उसी वक्त एक चोर चोरी करके भागते हुए कुणाल के घर के पास आता है और वो सोचता है, पीछे पुलिस और आगे छुपने की कोई जगह नहीं। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं और इन पैसों को कहां छुपाऊं? तभी उस चोर की नजर सामने खड़े हुए पुराने जेसीबी पर जाती है। वो अपनी चोरी की हुई पैसों का बैग उस जेसीबी में छुपाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन सामने जाकर पुलिस उसे पकड़ ही लेती है और चोरी के इल्जाम में अंदर कर देती है। इधर कुणाल रात को जब काम करके वापस घर आता है, तब खुद उस जेसीबी का रिस्टोरेशन करने की वो कोशिश करता है। जेसीबी को देखते देखते अचानक से उसे उसमें पैसों का बैग छुपा हुआ मिलता है जो उस चोर ने रखा था। पैसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह पैसे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। लेकिन इन पैसों से अब जेसीबी का रिस्टोरेशन भी हो जाएगा और मेरा घर भी बन जाएगा। कुणाल उन पैसों से जेसीबी का रिस्टोरेशन करने लगता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि ये कोई मामूली जेसीबी नहीं बल्कि एक आरसी जेसीबी रोबोट है। अब तो वो और भी खुश हो जाता है और उस आरसी जेसीबी रोबोट से अपने घर का काम करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसका घर बनकर तैयार हो जाता है और आरसी जेसीबी रोबोट से गांव वालों के भी किराए से वो काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद चोर छूटकर वापस आता है, तब वो कुणाल के घर के पास आता है, लेकिन वहां जेसीबी को ना पाकर वो हैरान हो जाता है। वो पड़ोसियों से पूछने लगता है। कुछ पड़ोसियों से उसे पता चल जाता है। तब चोर सोचता है, अच्छा तो मेरे पैसों से यहाँ मजे चल रहे हैं। अब तो मैं उस आरसी जेसीबी रोबोट को ही चुरा कर बेच देता हूँ, कम से कम मेरा चोरी किया हुआ पैसा तो निकल जाएगा। ऐसा सोचकर वो चोर रात को कुणाल के घर आता है। आंगन में उसे जेसीबी दिखाई देता है। वो जैसे ही जेसीबी को चुराने की कोशिश करता है, वो जेसीबी शुरू हो जाता है। जेसीबी के शुरू होने की आवाज अंदर से कुणाल सुन लेता है। तब कुणाल रिमोट से उस जेसीबी को रोबोट में बदल देता है। रोबोट चोर को देखकर उसे पीट पीट कर फिर से पुलिस के हवाले कर देता है। तब चोर सोचता है, अरे बहुत तोड़ा रे मुझे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना, ऐसी हालत हो गई रे मेरी। पहले भी चोरी के इल्जाम में अंदर गया और अभी भी मेरी तो किस्मत ही फूटी है। आरसी जेसीबी रोबोट की मदद से कुणाल के दिन ही बदल जाते हैं। कुणाल गांव का अमीर आदमी बनता है और गरीबों के लिए वो अपने आरसी जेसीबी रोबोट को फ्री में काम के लिए देने लगता है।